हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड अंडर स्टडी। आज हम आपको बताने जाएंगे एसएससी की जेई का जो एग्ज़ाम डेट फाइनल पता चला है एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन क्लोजिंग डेट भी फाइनल पता चला है, यानी कि ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है। सो दैट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन का भी बटन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियो के लिए। फॉर एंड जो एसएससी में इतना भी अभी पैटर्न आने वाला है उसके भी वीडियो में अपलोड किया करूँगा। रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ एंड सिविल इंजीनियर रिलेटेड ओनली। सो दैट इससे पहले आप देखते हैं अब क्या होता है। स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, यानी कि कल टुमेरो में, यानी कि 21 को स्टार्ट हो जाएगा एंड क्लोजिंग डेट कब है 17/11, यानी कि नवंबर 17 नवंबर को क्लोजिंग डेट होगी इसकी। ओके, और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा, तो वो 1 जनवरी यानी कि 5 जनवरी से 8 जनवरी तक, यानी कि 4 दिन यानी 4 डे चलेगा कंटिन्यूसली। ओके, और देखते हैं ये डिपार्टमेंट रहेगा सेंट्रल वाटर कमीशन, जूनियर इंजीनियर सिविल का भी, मैकेनिकल के सीपीडब्ल्यूडी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिविल का भी रहेगा। ओके, ये सारे अपने डिपार्टमेंट रहेंगे। डिपार्टमेंट इज कोई फिल करना नहीं पड़ेगा जब एग्ज़ाम रहोगे, तो इसमें कोई फिल करना नहीं पड़ेगा कि डिपार्टमेंट कितना, तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब देख सकते हैं एज लिमिट के अंदर रहेगा, यानी 1 जनवरी 2018 तक, 2018 तक मैक्सिमम 32 रहेगी। ओके, इतना देख सकते हैं इसमें। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 27, सो सबका दिया है सब पोस्ट का, नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी, और मिनिमम 21। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल, यानी एजुकेशन क्वालिफाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा। जूनियर यानी CPWD में, इसमें ओनली डिप्लोमा है, यानी सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा जिसने किया हो और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा किया ओनली। और सेम एज मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ये रहेगा, बट इसमें डिप्लोमा भी है और डिग्री भी है, ठीक है, डिग्री भी हो सकती है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, ये इसका डिपार्टमेंट जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा भी कंपलसरी, और ये भी हो सकता है, और यानी डिग्री भी हो सकती है, आप BTech या BE कोई भी है उसकी डिग्री हो सकती है। एंड इसमें भी सेम है, इसमें डिग्री ओनली है, इसमें डिप्लोमा भी, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा भी मांगा है एंड इसमें रिक्वायरमेंट है जो कि सिविल डिग्री भी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियर वर्क, 2 साल भी इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। तो इतनी पोस्ट हैं, देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर जो क्वांटिटी यानी क्वांटिटी सर्विंग का, सर्विंग डिपार्टमेंट में 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स आप BTech भी हो सकता है, BTech और BE भी इसमें वैलिड है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, इस डिपार्टमेंट में CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में, इसमें डिग्री और डिप्लोमा बोथ अवेलेबल, बोथ वैलिड है, सब इस डिपार्टमेंट में भी देखो बोथ वैलिड है, इसमें भी बोथ हैं, इसमें ओनली डिप्लोमा है, सॉरी इसमें डिप्लोमा है, इसमें भी डिप्लोमा है, इसमें डिप्लोमा है, इसमें भी डिप्लोमा है। अब आते हैं सेंटर कहाँ है। सो दैट सेंटर देखो, फर्स्ट देहरादून, दिल्ली और जयपुर यहाँ फिल कर सकते हैं, जो नॉर्थ एंड हैदराबाद और निज़ामाबाद, वारंगल, इस जितने भी सेंटर हैं आप, गंगटोक, रांची, ये सब सारे सेंटर हैं। ओके, तो इसमें फिल कर सकते हैं आप। देख सकते हैं सारे फिल कर सकते हैं। स्कीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ आपको पता ही होगा प्री होता है इसमें एंड मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता। सो दैट प्री में क्या होता है, प्री में 200 मार्क्स का रहता है एंड 2 आवर का रहता है। ओके, सो कितने क्वेश्चन कितने आते हैं, देखो इसमें आता है रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, जनरल एवरेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। ओके, और 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि टेक्निकल से आते हैं, सिविल इंजीनियर से या आप किसी फील्ड से डिग्री जो की है इसमें, वो आते हैं 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स हैं। सो टोटली इसमें कट ऑफ लास्ट में गया था, मैं बता देता हूँ, इसमें लास्ट में गया था 96 गया था जनरल का। सो दैट आप 100 से अबव फाइनली समझो प्री में निकालना, जब आप पॉसिबल है, थोड़ा सा है।
नेक्स्ट हफ्ते सवाल तो बढ़ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। सो दैट 2 आवर का रहेगा, इसकी शिफ्ट रहेगी 10 AM से 12 AM और आफ्टर नून से रहेगी 2 PM से 4 PM। ये देख सकते हैं मेंस में क्या होता है, मेंस में ऑब्वियसली 300 मार्क्स का रहता है, उसमें 2 आवर, ठीक है, 2 आवर का रहता है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी निकली है, ये देख सकते हैं जो कि सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में रीजनिंग में सारे इसमें वो दिया है, टॉपिक दिए हैं, एनालॉग्स दिए हैं, सिमिलरिटी डिफरेंट स्पेशल विजुलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना भी, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सारा ये दिया है जो कि रीजनिंग में आ सकता है। जीएस में देख सकते हैं, जीएस में क्या है, मैक्सिमम लड़के जीएस में मैक्सिमम बहुत कम, जीएस एसएससी की थोड़ा टफ आती है, एसएससी के लेवल का अच्छे लेवल का आता है, मतलब ये समझो रीजनिंग तो ऑब्वियसली सबसे हो जाती है एंड टेक्निकल भी आता है, तो ये थोड़ा इसमें नंबर लाना क्यों, बिकॉज इसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा जीएस में अगर अच्छे नंबर लाना है तो। कोई डिज़ाइन नॉलेज है, करंट अफेयर आ सकता है, करंट अफेयर भी आता है, ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस या डेली एवरीडे, यानी कि इसमें न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट मे बी एक्सपेक्टेशन, ओके, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिटिक्स साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि इसमें मैक्सिमम देखा सकता, मैं बता सकता हूँ, देखो जीएस में देखो हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और ये क्या कहते हैं अपना स्पोर्ट्स फील्ड में, और जनरल साइंस भी आएगा इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहेगा, ओके, कंप्यूटर भी आ सकता है, सो दैट ये भी आ सकते हैं। अब सिविल में देखो फर्स्ट पार्ट कितने सब्जेक्ट रहेंगे, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यू, सर्विंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट इंजीनियर, और स्ट्रक्चर में थ्योरी ऑफ स्ट्रॉस आएगा, सैंड यानी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, RCC और स्टील, ये सब्जेक्ट रहेंगे जो कि सिविल का रहेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल का भी ये सब्जेक्ट है एंड मैकेनिकल का भी, ये पेपर 2 का डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल इतना सारा डिटेल में है जो टॉपिक आ सकता है, एस्टिमेटिंग में भी इतना है, सर्विंग में, सो मैं आपको बताता नहीं, ये आप ऑफिशियली SSC में जाके ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो इजीली देख, सो दैट कम्प्लीटली आपको डिटेल में पूरा जानकारी हुई, सो दैट हफ्ते पहले, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।